गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग सिक्स लेसन पढ़ने वाले हैं एट स्टैंडर्ड का. ओके, पार्ट वन हो चुका है. पार्ट टू हम लोग आज पार्ट टू स्टार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट. ओके, इसके अंदर क्या दिया है? सबसे पहला करो और देखो, पढ़ते क्या दिया कृति के अंदर. दो वाष्प पात्र लो. पहले वाष्प पात्र में 7 ग्राम लोहे का बुरादा लो. दूसरे में 4 ग्राम गंधक का चूर्ण लो. दोनों वाष्प पात्रों के द्रव्यों के नजदीक नाल चुंबक ले जाकर निरीक्षण करो. पहले वाष्पन पात्र का संपूर्ण लोहे का बुरादा दूसरे पात्र में डालकर कांच की छड़ी से हिलाओ और नाल चुंबक द्रव्य के नजदीक ले जाकर निरीक्षण करो. साथ ही द्रव्य के रंग का भी निरीक्षण करो. अब दूसरे पात्र का यह द्रव्य थोड़ा गर्म करके ठंडा होने दो. इस द्रव्य के रंग में कुछ परिवर्तन हुआ क्या, इसका निरीक्षण करो और उस पर नाल चुंबक क्या परिणाम होता है उस निरीक्षण करो. ये सभी निरीक्षण को आगे दी गई तालिका में लिखो. क्या बताया इसके अंदर? सबसे पहले क्या लेना है? 7 ग्राम लोहे का बुरादा लेना है. ठीक है, लोहे का चूरा जो रहता है वो 7 ग्राम लेना है. फिर उसके अंदर ही दूसरे पात्र के अंदर क्या लेना है? 4 ग्राम गंधक का चूरण लेना है. ठीक है, पहले 7 ग्राम लोहे का बुरादा, फिर दूसरे के अंदर 4 ग्राम गंधक का चूरण. ठीक है, अलग अलग लेना है. फिर उसमें क्या करना है, उसके ऊपर एक नाल चुंबक जो रहता है, ठीक है, सुहॉर्स के मैग्नेट का, ठीक है, वो नाल चुंबक लेना है. वो उसके मतलब नजदीक ले जाकर निरीक्षण करना है. तो क्या चिपकता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है. फिर क्या दिया यहाँ पे आगे, पहले वाष्पन पात्र का जो सब लोहे का बुरादा है वो दूसरे पात्र में डाल देना है. ठीक है, दूसरे पात्र मतलब गंधक का जो चूरण है उसके अंदर डाल देना है और बाद में लोहे की छड़ से उसको मिक्स कर देना है. ठीक है, लोहे की छड़ से हिलाओ मतलब उसको मिक्स कर दो और बाद में नाल चुंबक के जो नाल चुंबक रहेगा वो द्रव्य के पास तुम लेके जाओगे तो क्या होता है ये हमें लिखना है. फिर द्रव्य का जो रंग है वो चेक करना है. उसके बाद फिर क्या किया, उसे पात्र में मतलब दूसरे पात्र में जिसमें गर्म करना है उस पात्र में डालकर उसे थोड़ा गर्म करके फिर ठंडा करना है और बाद में उसके अंदर का भी रंग हमें पता करना है कैसा रहेगा और बाद में चुंबक ले जाकर उसके ऊपर क्या परिणाम होता है. ठीक है, क्या चिपकता है, नजदीक आता है, क्या होता है वो करना है. ठीक है, तो यहाँ पे ये निरीक्षण करो, यहाँ पे जो निरीक्षण करो दिया कृति दिया है वो आगे मतलब लिख के दिया. ठीक है, वो पढ़ते फिर समझेगा हम लोगों को क्या दिया. पहले एक वाष्पन पात्र में लोहे का बुरादा और गंधक मिलाया तो द्रव्य का रंग क्या हुआ और नाल चुंबक का परिणाम क्या हुआ. फिर दूसरा वाष्पन पात्र में लोहे का बुरादा और गंधक एकत्र गर्म किया तो द्रव्य का रंग क्या हुआ और नाल चुंबक का परिणाम क्या हुआ. चलो आगे देखते हैं. यहाँ पे क्या दिया है, पिछली कृति में लोहे का बुरादा और गंधक चूर्ण मिलाने पर मिलने वाला द्रव्य का नाल चुंबक से परीक्षण करने पर ऐसा दिखाई देता है. ठीक है, वो उन लोगों को बोला करने को, यहाँ पे करने के बाद कैसा दिखाई देता है वो यहाँ पे बताया. ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने का क्या होता है वो यहाँ पे बताया कि बनने वाले द्रव्य लोहे और गंधक का मिश्रण से और उसमें दोनों घटक के गुणधर्म है. ठीक है, वो लोहे का भी गुणधर्म और गंधक का भी दोनों का गुणधर्म यहाँ पे दिया गया, मतलब उसके अंदर मौजूद रहेगा जो मिश्रण रहेगा उसके अंदर. फिर कुछ क्षण पीले दिखाई दिए. ठीक है, कुछ कण जो है उसके अंदर पीले पीले दिखाई देते हैं, वे गंधक के थे. ठीक है, जो पीले पीले जो दिखाई देते हैं वो गंधक के रहेंगे. फिर कुछ कण काले दिखाई दिए, वे लोहे के थे. ठीक है, जब मिक्स कर दिए तो उसमें से जो पीला कण रहता है, जो मिश्रण रहता है उसके अंदर जो पीला कण रहता है वो किसके रहते हैं, वो गंधक के रहते हैं और जो काले कण रहते हैं वो लोहे के थे. ठीक है, तो पहले तुम्हारे जो बॉक्स रहेगा उसके अंदर तुम्हारा एक आएगा एक पीला और एक जगह पे काला. फिर चुंबक की और लोहे की कण को आकर्षित होना या गुंधर्म भी कायम था. ठीक है, चुंबक की क्या होता है, लोहा जो रहता है उसके इधर आकर्षित करता होता है. ठीक है, तो वो गुंधर्म रहता है लोहे का. लोहे का क्या गुंधर्म है, कोई भी चुंबक रहता है उसके और आकर्षित होगा. तो वो तब तक कायम था जब तक उसके गंधक के अंदर उसको मिलाया तो मिश्रित होने के बाद लोहा जो था वो चुंबक में चिपकने लगा. ठीक है, लोहे का जो बुरादा था वो. अर्थात आगे क्या दिया है, अर्थात इस द्रव्य में लोहे और गंधक ये दोनों घटक स्वतंत्र स्थिति में थे. ठीक है, दोनों स्वतंत्र मतलब अलग अलग थे क्योंकि वो दोनों मिक्स नहीं हुए, इसलिए लोहा जो था वो चिपक रहा था. अगर दोनों मिश्रित होते तो लोहा जो रहता वो चिपकता नहीं. ठीक है, तो ये क्या बताया, अर्थात इस द्रव्य में भी लोहा और गंधक जो थे दोनों घटक स्वतंत्र थे. ठीक है, कोई एक दूसरे के ऊपर बाधा नहीं थी. फिर इसके विपरीत लोहे का बुरादा और गंधक एकत्रित रूप से गर्म करके ठंडा करने पर उस पर चुंबक का परिणाम नहीं हुआ. ठीक है, बाद में क्या, एकत्रित करने के बाद जब एकत्रित किया और उसको गर्म किया और गर्म करने का जब ठंडा होने के लिए रखा उसके बाद जब चुंबक उसके ऊपर घुमाया तो उसके ऊपर कुछ परिणाम नहीं हुआ. मतलब क्या, तो लोहे का जो बुरादा था ना ही उसके ऊपर चिपका, ना ही वो अट्रैक्ट नहीं हुआ उसके ऊपर. ठीक है, और गंधक के विशिष्ट पीला रंग भी गायब हो गया. ठीक है, जो गंधक का पीला रंग रहता है वो भी पूरी तरीके से गायब हो गया. इसी यह स्पष्ट होता है कि उपयुक्त कृति में बनने वाला द्रव्य मूल घटक से भिन्न है. क्या बताया इसके अंदर, कि उपयुक्त कृति में बनने वाला जो द्रव्य का मूल है, जो गर्म करने का ठंडा हुआ उसका जो मूल घटक है वो भिन्न है, मिश्रित होने के बाद वो भिन्न है. इस कृति में गर्म करने की
फिर आगे कहते हैं गर्म करने की क्रिया के कारण लोहे और गंधक इन तत्वों में रासायनिक सहयोग हुआ। ठीक है, रासायनिक सहयोग मतलब उसके अंदर के रासायनिक मतलब उसके अंदर थोड़ा सा बदला हुआ। ठीक है, वो एक दूसरे से कुछ हेर फेर किए लोहे और गंधक के अंदर। लोहे और गंधक के परमाणु रासायनिक बंध से जुड़ने के कारण नए यौगिक के अणु बने। ठीक है, क्या बताया यहाँ पे, लोहे और जो क्या बोलते हैं गंधक का जो अणु था परमाणु थे वो रासायनिक बंध हुए। ठीक है, एक दूसरे से बंध बना के जुड़ गए और बाद में एक नया ही यौगिक बनाया गया। ठीक है, नए अणु बन गए, यौगिक था। ठीक है, हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा यौगिक तत्व और मिश्रण। ठीक है, तो वो दोनों मिश्रण होने के बाद क्या हुआ, नया यौगिक बना। ठीक है, मिश्रण नहीं हुआ, यौगिक बना। फिर आगे क्या दिया है, अनुसूत्र और संयोजकता। ठीक है, अनुसूत्र और संयोजकता मतलब क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और वैलेंसी। ठीक है, थोड़ा ऊपर करेंगे इसको, देखते क्या दिया। यौगिक में घटक तत्व का अनुपात निश्चित होता है। यौगिक के अणुओं में घटक तत्वों के परमाणु विशिष्ट संख्या में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या बताया, यौगिक के घटक तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। ठीक है, मतलब यौगिक में जो घटक तत्वों के रहते हैं, जैसे कि अगर कुछ बना रहे हो तुम लोग, जैसे कि तुम लोग नींबू पानी बनाते हो या कुछ भी चीज बनाते हो, तो उसके अंदर तुम्हारा पानी शक्कर और जो नींबू रहता है वो तुम्हारे फिक्स रहते हैं। ठीक है, उनके जो घटक मतलब तत्व जो रहते हैं, उनके घटक जो रहते हैं अनुपात उसके सेम रहेंगे। मतलब अगर समझो पानी तुम लोग ज्यादा ले, समझो 10 पकड़ते हैं, 10:2, अगर तुमने शक्कर थोड़ा ज्यादा ले, नींबू से थोड़ा ज्यादा शक्कर लेते हो तो उसको 4 पकड़ते हैं, और नींबू सबसे कम मात्रा में रहते हैं तो उसको 1 पकड़ते हैं। तो मतलब जो उनके अनुपात रहते हैं 10, 4 और 1, ठीक है, वो निश्चित रहते हैं। ठीक है, वो बदलता नहीं है। यौगिक के अणु में घटक तत्वों के परमाणु विशिष्ट संख्या से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या बताया यहाँ पे, अणु के मतलब जो तत्वों के घटक रहते हैं उसके अणु जो रहते हैं और परमाणु जो रहते हैं वो एक विशिष्ट संख्या से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जिससे जिसको हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, उसके ऊपर दूसरा कोई केमिकल डालते हैं उसके विपरीत तो ही वो अलग हो सकते हैं, वो उनके जो तत्व रहते हैं रासायनिक बंध के कारण वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आगे क्या दिया है, यौगिक के एक अणु में किस किस तत्वों के प्रत्येक के कितने परमाणु है यह अणुसूत्र की सहायता से दर्शाया जाता है। क्या बताया है, यौगिक में एक एक अणु में किस किस तत्वों के प्रत्येक कितने परमाणु है। ठीक है, मतलब यौगिक मतलब लास्ट के जो तैयार होगा यौगिक उसके अंदर किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु है वो अणुसूत्र की सहायता से हमें पता चलता है। ठीक है, हम लोग आगे देखने वाले अणुसूत्र से तो किसके अंदर कितने परमाणु रहते हैं वो देखेंगे। यह अणुसूत्र की सहायता से दर्शाया जाता है, अणुसूत्र के सभी घटक तत्वों का संकेत और प्रत्येक संकेत के निचले हिस्से उस परमाणु की संख्या यह जानकारी समाविष्ट है। क्या बताया, अणुसूत्र के घटक तत्व और संकेत या प्रत्येक संकेत जो उनके चीज रहते हैं वो निचले हिस्से में परमाणु में संख्या में दिखाया जाता है। ठीक है, हम लोग देखो, चलो नीचे देखते हैं क्या दिया है, बताओ। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, नीचे दी गई तालिका में कुछ यौगिक के अणुसूत्र दिए हैं, उनके उपयोग की तालिका में रिक्त स्थान भरो। ठीक है, यहाँ पे रिक्त स्थान भरने को बोला है। क्या दिया यहाँ पे, देखो पहले यौगिक का सबसे नाम दिया, पहले यौगिक का नाम, पहला पानी, दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड, तीसरा मीथेन और चौथा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये केमिकल है, सब यौगिक है। ठीक है, ना ही मिश्रण ना ही तत्व है। ठीक है, क्योंकि ये दो एक दूसरे से दो चीज से मिश्रित होके अलग अलग है। ठीक है सब, तो पानी, पानी का क्या अनुसूत्र रहता है, H2O। वही हाइड्रोजन का अनुसूत्र मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला बोलेंगे तो HCl है। ठीक है, फिर मीथेन का बोलेंगे तो CH4 है, और मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 है। ठीक है, यहाँ पे अनुसूत्र याद रखना इसका। ठीक है, फिंगर लेंथ में आ सकता है, और तुम लोग को ये अगर तालिका अगर बनाने को आया तो उसके अंदर भी आ सकता है मैच द फॉलोइंग, सॉरी बॉक्स भरने के लिए। ठीक है, अभी घटक के तत्व, घटक के तत्व क्या क्या बताया यहाँ पे, H2O में क्या है, H1 है। ठीक, H है और O है। ठीक है, दो ही चीजें यहाँ पे, H और O। उसी प्रकार यहाँ पे घटक, चलो पेन ले लेते हैं एक बार लिखने के लिए। यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, एक है तुम्हारा यहाँ पे H। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा Cl। ठीक है, फिर तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा क्या, CH4, मतलब यहाँ पे तुम्हारा है कार्बन, तो यहाँ पे पहले फिंगर ब्लैंक्स में कार्बन आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारे दूसरे फिंगर ब्लैंक्स में H। ठीक है, फिर वहीं पे तुम्हारा यहाँ पे दूसरा लिया घटक के तत्व MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर क्या है तुम्हारा, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये तुम्हारा आएगा Mg, कैपिटल में रहेगा। ओके, पहला कैपिटल रहता है हमेशा, पहला M, फिर दूसरा छोटा, छोटे फॉर्म में रहता है, तो Mg, कैपिटल M और G, मैग्नीशियम हो गया, और यहाँ पे क्लोराइड तुम्हारा ये बड़ा हो जाएगा, और ये दूसरा जो रहता है वो छोटा। हमेशा याद रखना, पहला जो रहता है वो हमेशा बड़ा रहता है, दूसरा जो रहता है वो छोटा रहता है। ठीक है, दूसरा मतलब क्या, समझो हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे H2O है, हाइड्रोजन ऑक्साइड या पानी बोलोगे, तो यहाँ पे H अलग है और ऑक्सीजन अलग है, तो इसलिए H बड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी बड़ा है। ठीक है,
फिर यहाँ पे एच सी एल है, ठीक है। एच सी एल में क्या है, यहाँ पे एच अलग है और सी एल अलग है, मतलब हाइड्रोजन और उसके बाद क्लोरीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन अलग है, उसके एच बड़ा है, यहाँ पे क्लोरीन अलग है, ठीक है। तो सी बड़ा है, बाद में एल छोटा है, उसे यहाँ पे सी एच फोर कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग, उससे दोनों बड़े, यहाँ पे एम जी सी एल टू, एम जी अलग है, मैग्नीशियम और क्लोरीन सी एल अलग है, ठीक है। तो इसलिए एम कैपिटल, फिर जी छोटा, फिर यहाँ पे सी कैपिटल और एल छोटा, क्योंकि पहला जो अक्षर रहता है वो बड़ा रहता है, ठीक है। घटक के तत्व समझ गए, एच ओ एच क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन, फिर यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोरीन, ठीक है। अभी हम लोग क्या करना है, घटक के तत्व का परमाणु की संख्या, ठीक है, कितने संख्या है। यहाँ पे अभी हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, तो इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पे सामने क्या दिया है, दो, और ऑक्सीजन तुम्हारा यहाँ पे एक। उसी प्रकार यहाँ पे एच सी एल हाइड्रोजन भी एक है और क्लोरीन भी एक है, तो तुम लोग यहाँ पे भी एक रहेगा और यहाँ पे क्लोरीन का भी तुम्हारा यहाँ पे एक रहेगा, ठीक है। फिर कार्बन मीथेन, ठीक है, कार्बन कितना है, यहाँ पे एक है तो एक लिखोगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो तुम्हारा कितना है, चार है, तो तुम्हारे यहाँ पे हाइड्रोजन फोर रहेगा। फिर वहीं पे एम जी सी एल टू मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पे एम जी कितना है, एक है, और सी एल जो है यहाँ पे टू है, ठीक है। तो ये तालिका को याद रखना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, पानी, हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड, मीथेन और मैग्नीशियम क्लोराइड, उनके घटक के तत्व, अणुसूत्रों और घटक के तत्व के परमाणु की संख्या, ये सब याद रखना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, नीचे क्या दिया गया है, अणुसूत्र, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, अणुसूत्र और अणु के विविध तत्वों के परमाणुओं की संख्या, इसके संबंध हमने देखा, परमाणु एक दूसरे से रासायनिक बंध से जुड़े हुए थे, ठीक है। अणुसूत्र और अणु के विविध तत्व देखा हम लोगों ने, परमाणु की संख्या एक दो एक दो यहाँ पे जो दिया गया वो, ठीक है, और वो क्या रहता है, एक दूसरे से रासायनिक बंध से जुड़े हुए थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तरह का दोनों एक दूसरे से रासायनिक बंध से जुड़े हुए होते हैं। दूसरे परमाणु में रासायनिक बंध से जुड़ने की क्षमता प्रत्येक परमाणु का रासायनिक गुणधर्म है, क्या बताया यहाँ पे, दूसरे परमाणु रासायनिक बंध से जुड़ने की क्षमता जो है वो परमाणु की रासायनिक गुणधर्म है। रासायनिक गुणधर्म मतलब उनके मतलब नेचुरली वो लोग उनका जो काम है वो वही है, बंध बनाना, ठीक है। फिर आगे, ये क्षमता एक संख्या से दर्शाई जाती है और वो संख्या यह परमाणुओं की संयोजकता होती है, क्या किससे दर्शाता है, संयोजकता, लास्ट के जो उसके रहते हैं, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि एल एम एन कवच, तो लास्ट का जो कवच जिसका कम रहता है और जिसका ज्यादा रहता है, तो जिसका कम रहता है वो अपने ज्यादा वाले को देके उसका उसके साथ रासायनिक बंद बना लेता है, ठीक है, वो एक उसके साथ जुड़ जाता है, अपना थोड़ा चीज थोड़ा जो अणु रहते हैं वो उसको देके जुड़ जाते हैं, ठीक है। के एल एम एन कवच हम लोग ने पढ़ा था आठवीं में भी और नौवीं में भी पढ़ा था, सॉरी नौवीं में भी आएगा, आठवीं में भी इसमें पढ़े थे हम लोग, ठीक है। फिर क्या दिया, यह क्षमता एक संख्या से दर्श, हम लोग ने यह कर लिया। फिर कोई परमाणु उसकी संयोजकता के बराबर रासायनिक बंध अन्य परमाणु के साथ बनाता है, क्या लिखा है यहाँ पे, कोई परमाणु उस संयोजकता के बराबर रासायनिक बंध अन्य परमाणु के साथ बनाता है। सामान्यता तत्वों की संयोजकता उसके विविध यौगिक में स्थिर होता है, क्या बताया, कोई परमाणु उसी संयोजकता के बराबर रासायनिक बंध अन्य परमाणु के साथ बना सकता है, ठीक है। जितना समझो, अगर H2O है तो ऑक्सीजन को दो चाहिए रहता है, अगर किसी और का अगर दो रहेगा तो वो उसके साथ भी बना सकता है, जैसे कि H2CH4, ठीक है, कार्बन और फोर, चार कार्बन जो है वो सी के साथ बना सकता है, ठीक है। तो उसे जिसको जितना चाहिए रहता है अगर उतना ही मात्रा में रहेगा तो उसके साथ दूसरा भी रासायनिक बंध बना सकता है। फिर सामान्यतः तत्वों की संयोजकता उसके विविध यौगिक में स्थिर रहते हैं, ठीक है, विविध यौगिक मतलब अलग अलग जो यौगिक रहते हैं तत्व, उसकी संयोजकता के ऊपर स्थिर रहता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। फिर क्या तुम जानते हो, कैंसिल है, ठीक है, तालिका पूर्ण करो, अब यहाँ पे तालिका पूर्ण करो, देखते हैं क्या दिया यहाँ पे, यहाँ पे क्या दिया है, क्रमांक एक दो तीन चार, फिर यौगिक के अनुसूत्र, यौगिक के अनुसूत्र मतलब NHCl, H2SO4, H2S, फिर NH3, HBr, HINAH, ठीक है, नाम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर देखा हम लोगों ने हाइड्रोक्लोराइड, फिर वाटर, फिर हाइड्रोसल्फाइड, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर यहाँ पे अमोनिया, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडीन, फिर यहाँ पे तुम्हारा सोडियम हाइड्राइड, फिर तुम्हारे यहाँ पे मीथेन, ठीक है। यहाँ पे घटक के तत्व, पहला एच दिया है, मतलब एच के साथ सब हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो रहेगा सब जगह यहाँ पे एच ही आएगा, ठीक है, सब जगह यहाँ पे जो रहेगा एच ही से भरा रहेगा। यहाँ पे तुम्हारा सेम दे देता हूँ, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, और यहाँ पे भी सेम रहेगा, ठीक है, सब जगह एच, लेकिन यहाँ पे जो एक्स की जगह पे क्या आएगा, तुम्हारा दूसरे जो घटक तत्व है, ठीक है, संयोजकता वो आएगा, जैसे कि यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ठीक है, नाइट्रोजन अमोनिया बनता है यहाँ से, यहाँ पे तुम्हारा ब्रोमीन आएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है इससे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो बड़ा बड़ा है पहला और दूसरा जो है वो छोटा है, यहाँ पे तुम्हारा आई आएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे तुम्हारा एन आएगा और फिर यहाँ पे तुम्हारा आएगा कार्बन, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्स के घटक हो गए, हेलोजन ग्रुप के जो हो गए, यहाँ पे एच एच एच, फिर यहाँ पे एक्स के जो है, यहाँ पे दूसरे जो बचे हुए वो सी एल, ऑक्सीजन, सल्फाइड, नाइट्रोजन, ब्रोमाइड, आयोडीन, सोडियम और यहाँ पे कार्बन, ठीक है। फिर एच की संयोजकता, ठीक है, एच जो है उसकी संयोजकता मतलब उसके पास कितना रहता है संयोजकता, उसके पास हाइड्रोजन जो रहता है पहला रहता है, ठीक है, तो उसकी संयोजकता कितनी रहती है, एक रहती है, ठीक है। उसी प्रकार एक्स ने एच के साथ बनाया गया कुल बंध की संख्या, यहाँ पे पहला जो एच है, ठीक है, एच का सिर्फ दिया है, बंध की संख्या बोला है, यहाँ पे एच सी एल, तो क्लोरीन जो है और हाइड्रोजन जो है वो एक एक के साथ बंध बनाया है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन दो है तो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो दो बंध बनाया है, ठीक है। फिर यहाँ पे एच टू एस, तो यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है तो सल्फाइड के साथ जो रहेगा वो दो का बंध बनाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एन एच थ्री, तो यहाँ पे एच थ्री है तो तीन बंध बनाएगा क्योंकि तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन को वो देगा, तो यहाँ पे तीन का बंध बनेगा। वहाँ पे ब्रोमीन जो है यहाँ पे एक सिंगल है तो यहाँ पे एच के साथ वो सिंगल का बंध बनाएगा। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड है वो भी सिंगल का बंध बनाएगा। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन और एच अमोनिया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक का बंध बनाएगा। फिर यहाँ पे कार्बन को चार चाहिए तो यहाँ पे फोर बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा रहेगा बंध वो चार करेगा। उसी प्रकार एक्स की संयोजकता जो रहेगी, एक्स की संयोजकता मतलब इसके जो लास्ट की बची रहेगी वो तुम्हारे यहाँ पे संयोजकता, तो एक्स की संयोजकता मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जितने जो बंध बना रहे उतना ही संयोजकता बचेगा, ठीक है, क्योंकि उसको उतना ही लास्ट में चीज चाहिए रहेगा। जैसे ऑक्सीजन को यहाँ पे दो चाहिए, उसलिए हाइड्रोजन के साथ वो दो लास्ट में लेता है, ठीक है। फिर यहाँ पे सल्फाइड को यहाँ पे भी उसको दो चाहिए, उसलिए दो लेता है। फिर अमोनिया को एन दो चाहिए, उसलिए दो लेता है। ब्रोमाइड को एक, फिर उसे ही सब आगे के जो दिए वो उसको जितना चाहिए रहता है लास्ट में उसका संयोजकता दिया गया। फिर आगे क्या दिया गया देखते हैं यहाँ पे, यौगिक के यौगिक का अनुसूत्र ज्ञात हो तो उसके आधार पर घटक तत्वों की संयोजकता पहचान सकते हैं। क्या लिखा है, यौगिक के अनुसूत्र ज्ञात हो, ठीक है, अनुसूत्र मतलब ये जो है NaCH4, ठीक है, तो इसके अनुसूत्र अगर याद रहेंगे तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे, घटक मतलब तत्व के जो घटक है उसकी संयोजकता पहचान सकते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पे पता था NaH, ठीक है, अगर डायरेक्ट दे दिया अगर मीथेन, तो हम लोग को क्या पता मीथेन में कितना हाइड्रोजन कितने कार्बन रहेंगे, लेकिन उसके अनुसूत्र अगर हमको पता रहेगा CH4, ठीक है, तो हम लोग उसके जो तत्व या संयोजकता है उससे हम लोग निकाल सकते हैं, सब चीज उसका निकाल सकते हैं, तो इसलिए अनुसूत्र याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके लिए हाइड्रोजन की संख्या संयोजकता एक है, ये आधार है, ठीक है, ये आधार है मतलब हाइड्रोजन सबसे पहला ही रहता है, इसलिए उसका जो एक ही पहला नंबर पर आता है उसलिए उसकी संयोजकता एक ही है, ठीक है, के कवच के अंदर वो एक ही रहता है। इसके विपरीत तत्व की संयोजकता ज्ञात हो तो उसके आधार पर तिर्यक गुणन पद्धति से यौगिक का अनुसूत्र लिख सकते हैं, वह निम्न प्रकार से, ठीक है, आगे दिया है वो देखेंगे। फिर आगे और क्या दिया है यहाँ पे, संलग्न तालिका देख लेते हैं। संलग्न तालिका में तत्वों की जोड़ी और उनकी संयोजकता दी गई है, उनके तंत्र संगत उपयोग करके उन तत्वों की जोड़ी बनने के और यौगिक अनुसूत्र अंतिम चौखट में लिखी है, ठीक है, आगे देखे लिखा है वो देखते एक बार क्या दिया है, देखो क्रॉस का दिया है यहाँ पे, पहले देखते हैं क्या दिया यहाँ पे, तिर्यक गुण पद्धति सरल यौगिक के अनुसूत्र, ठीक है, ये पद्धति दिया गया चरण एक, पहले क्या दिया है, चरण एक मतलब पहला स्टेप दिया है घटक तत्वों को लिखना, ठीक है, जो मेन घटक है उसके तत्वों को लिखना, जैसे CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है यहाँ पे तो उसका सी लिया है और ऑक्सीजन लिया है, ठीक है। कार्बन की संयोजकता, कार्बन कितना रहता है, पहला हाइड्रोजन रहता है, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है, तो कार्बन कितने नंबर पे है, छठवें नंबर पे, तो उसमें से जो कार्बन का मतलब जो पूरा ये है वो छे है, ठीक है, तो उसमें से तुम्हारा किसके अंदर चला जाएगा, एक के कवच के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और फिर एक एल, तो के कवच के अंदर तुम्हारा कितना, के कवच का जो जगह रहता है वो सिर्फ दो रहता है, तो यहाँ पे दो चला गया तो एल में कितना बच गया तुम्हारा, चार, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का संयोजकता मतलब लास्ट का जो रहता है तुम्हारा वो चार तुम्हारा कार्बन के अंदर बच गया। ऑक्सीजन फिर कितना रहता है, पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पे है तुम्हारा यहाँ पे, छठवें नंबर पे, ठीक है, तो वो जो रहेगा तुम्हारा सिक्स। उसी प्रकार तुम्हारे यहाँ पे अगर दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या रहता है, छह रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन छठे नंबर पे, चार छो छ और छह, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने रहता है, सॉरी आठ पे रहता है, ठीक है, यहाँ पे आठ आएगा, तो तुम्हारा ये यहाँ पे दो चला जाएगा और यहाँ पे छह आ जाएगा, ठीक है, तो छह, इसको लास्ट का जो संयोजकता है इसको पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए, इसको
आठ रहता है, तो इसको पूरा करने के लिए कितना ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे दो कार्बन CO2, यहाँ पे कितना चीज को दो चाहिए, उसने यहाँ पे क्या क्या ऑक्सीजन को दो लिया है, तो दो दो करके तुम लोग को इसे चार तुम इसका ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, आगे देखो क्या दिया है, तीसरे चरण में क्या दिया है, तीर दर्शाए अनुसार तीर्यक गुण करना, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन है वो दो रखेगा और ऑक्सीजन जो इसे चार से ले लेगा, ठीक है। तो तीर्यक गुण में क्या प्राप्त हुआ है, सूत्र लिखना है C2O4, ठीक है। C2O4 मतलब कार्बन के पास दो चला जाएगा और ऑक्सीजन को चार चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, आगे देखो क्या दिया है यहाँ पे, यौगिक का अंतिम अनुसूत्र लिखना, ठीक है। अंतिम अनुसूत्र कैसे लिखोगे, अंतिम अनुसूत्र में घटक परिणाम की संख्या छोटी से छोटी और अनुसूत्र में से उसके लिए आवश्यक होने पर चरण चार के सूत्र योग अंक से भाग करना, ठीक है। क्या बताया यहाँ पे, जो छोटी से छोटी रहना चाहिए तो उसके ही अंक से भाग करेंगे, जैसे यहाँ पे दो है तो यहाँ से भी दो कट कर देंगे, ठीक है, दो से भाग कर देंगे तो क्या बचेगा तुम्हारा CO2, ठीक है। अगर इतना हार्ड नहीं समझा तो क्या सोचने का है, सिर्फ यहाँ पे अगर जो चाहिए रहता है, जैसे कि यहाँ पे अभी बताया मैं ऑक्सीजन को कितना चाहिए, यहाँ पे दो चाहिए, क्योंकि वो आठ रहता है तो दो पहले में आ गया, छह दूसरे में आ गया, तो दो चाहिए रहता है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो लेकिन कार्बन के पास कितना रहता है, चार रहता है, तो ऐसा नहीं कि वो अपने पास दो रख के दो दे देगा, ठीक है, उसको लास्ट के जो कवच है पूरे के पूरे देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कि यहाँ पे ऑक्सीजन को दो ले लिया, दो ऑक्सीजन को लेने ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग को, फिर यहाँ पे चार की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है, एक ऑक्सीजन में दो, दूसरे ऑक्सीजन में चार की, ठीक है। तो इसलिए कार्बन के चारों यूज हो जाएगा, उसलिए यहाँ पे CO2 रहता है, ठीक है। CO कभी नहीं देखोगे तुम लोग, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है, दो ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी। उसी प्रकार यहाँ पे तत्व दिया है CH, ठीक है, फिर NH, फिर FeSCO, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन आयन, फिर S, ठीक है, आयन मतलब जो तुम्हारा लोखंड रहता है, ठीक है, वो, फिर सल्फाइड कार्बन और ऑक्साइड, ठीक है। अभी इसके अंदर संयोजकता क्या क्या बताया, C का संयोजकता चार है, H का एक है, ठीक है, फिर यहाँ पे N का थ्री है, H का वन है, Fe का टू है, S का टू है, ठीक है। तो इसमें से एक जोड़ेगा तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अभी संबंधित यौगिक के अनुसूत्र देखते हैं, अभी कार्बन के पास चार है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितना है, H एक ही है, ठीक है, तो कार्बन को टोटल करने के लिए कितना चाहिए, इसको और चार चाहिए, दूसरा L शेल L कवच पूरा करने के लिए, ठीक है, C को पूरा करने के लिए कितना चाहिए और चार चाहिए, तो हाइड्रोजन एक है, ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम लोग को और चार हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि और चार लेगा तभी ये फिर कार्बन को देके उसका जो लास्ट का कवच है वो पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, फॉर्मूला C एक लेंगे और तुम्हारा जो H रहेगा यहाँ पे वो यहाँ पे चार हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे तुम्हारा फॉर्मूला हो गया ये मीथेन, तभी इसके साथ बंद बन सकता है। फिर वहीं पे नाइट्रोजन तीन है, हाइड्रोजन एक है, अब इसको कितना चाहिए, यहाँ पे एन जो है इसको लास्ट की जो संयोजकता है वो तीन है, ठीक है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है यहाँ पे एक है, ठीक है, तो चाहे तो ये एक इसको एक दे सकता है या एक इसको दे सकता है, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे, अगर क्या बोलते हैं इसको पूरा करना है तो हमें कितना चाहिए रहेगा, पांच और चाहिए रहेगा, ठीक है, बरोबर, क्योंकि थ्री है उसका लास्ट का जो बंद है वो पूरा करने के लिए हम लोग को पांच और चाहिए, नहीं ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरन नियोन मैग्नीशियम, हाँ इसको सॉरी हाँ ये इसको पूरा करने के लिए इसको भी पांच चाहिए रहेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा ये पांच हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा यहाँ जो फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा अमोनोफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा NH जो रहेगा ये पांच हो जाएगा, ठीक है, NH3 भी हो सकता है, NH3 होने के लिए क्या रहेगा यहाँ पे नाइट्रोजन जो रहेगा तुम्हारा उसको कवच को तीन चाहिए रहेगा तभी यहाँ पे NH3 हो जाएगा, फिर Fe2S2, ठीक है, यहाँ पे S का टू है, यहाँ पे Fe का टू है, इसको भी आठ चाहिए रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा दो से अगर गुना कर करोगे तो चार हो जाएगा और तीन से गुना कर करोगे तो छह आ जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मूला जो रहेगा, ठीक है, चाहे तो ये दोनों दे सकते हैं, ठीक है, ये Fe जो टू है वो S को भी दे सकता है या S जो रहेगा वो इसको भी दे सकता है, ठीक है, तुम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा F2S3 भी हो सकता है या Fe3 भी हो सकता है, ठीक है, या F3S भी हो सकता है, उसके बंद के ऊपर डिपेंड है। फिर यहाँ पे कार्बन जो है, ठीक है, ये तुम लोग को होमवर्क रहेगा, कार्बन और ऑक्सीजन ईजी है, ठीक है, CO2 अगर तुम लोग डायरेक्ट ले लोगे तो यहाँ पे बाजू में दिया ये वो भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, थोड़ा सोचो, नीचे दिए गए तत्वों की जोड़ी से बनने वाले यौगिक के अनुसूत्र तिर्यक गुण की पद्धति से खोज निकालो। H संयोजकता एक है, O की संयोजकता दो है, N की संयोजकता तीन है, H की संयोजकता एक है, F की संयोजकता दो है, वह S की संयोजकता
दो है ठीक है, ऊपर दिया गया है। फिर यहाँ पे कहते हैं दूसरा एच ओ और एन इन परमाणुओं की संयोजकता संयोजकता क्रमश एक दो और तीन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन गैसीय तत्वों के अनुसूत्र क्रमश H2O2 और N2 है। इन अणु के प्रत्येक में कितने रासायनिक बंध होंगे? ठीक है, H2 है तो H2 के अंदर कितना रासायनिक बंध बनेगा? यहाँ पे एक बंध बनेगा। ठीक है, H के अंदर ऑक्सीजन के अंदर भी कितना बनेगा? एक दो बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का दो क्यों नहीं, एक ही बनेगा क्योंकि दो इसको ऑक्सीजन चाहिएगा। N2 के अंदर कितना बनेगा? नहीं, O2 के अंदर दो बनेगा और N2 के अंदर तीन बनेगा रासायनिक बंध, क्योंकि दो दो मतलब उसके अंदर कितने चाहिए, एन के अंदर कितना चाहिए, एन का जो लास्ट का है तीन संयोजकता। ठीक है, तो उनको कितना चाहिए? पांच चाहिए, तो इसके अंदर तीन बनेगा। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? दो है। ठीक है, संयोजकता दो है तो उसको चार चाहिए, तो दो दो करके वो दो बंध बनाएगा। और हाइड्रोजन एक ही है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन लिया तो वो एक बनाएगा। ठीक है, तो इसके जो रासायनिक बंध रहेगा एक, इसकी दो, इसके तीन रहेगी। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारा लेक्चर यहाँ पे जो लेसन है वो यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, स्वाध्याय आया तो हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म, सिक्स लेसन ओवर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, बाय।